नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर और आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे काफी दुखद खबर के साथ। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा आज पंचतत्व में विलीन हो गई है। पीएम मोदी ने खुद मां को मुखाग्नि दी है। पीएम की मां के निधन के बाद से देश में एक शोक की लहर देखने को मिल रही है। देश के तमाम नेताओं ने ट्विटर के माध्यम से उनकी माँ को श्रद्धांजलि अर्पित की है। बता दें कि माँ हीराबा का निधन कल रात हुआ था। उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ बता दें कि कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली है कल रात को। बता दें कि पीएम मोदी ने आज सुबह ट्वीट करके उनके बारे में ये जानकारी दी है। बता दें कि हीरा बा के निधन के बाद से देश में एक शोक की लहर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि हीरा बा इसी साल जून में अपने जीवन के शतक, जिसे कहते हैं 100वें वर्ष में उन्होंने प्रवेश किया है और उनका जन्म 18 जून 1923 में हुआ था। और साथ ही बता दें कि महसाना में उनका जन्म हुआ था, जहां बता दें कि हीरा बा की शादी दामोदर दास मूलचंद मोदी के साथ हुई थी और दामोदर दास तब चाय बेचा करते थे। हीरा बा और दामोदर दास की 6 संतानें थी, जिसमें नरेंद्र मोदी जो थे वो 3रे नंबर के संतान थे। पीएम मोदी के कई बार अपनी मां के संघर्षों को याद करते हुए भावुक अंदाज में उसका जिक्र किया है। साल 2015 में फेसबुक के संस्थापक बता दें कि के साथ बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने अपनी मां के संघर्षों को याद किया था। तब उन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी के निधन के बाद माँ हमारा गुजारा करने और साथ ही पेट भरने के लिए दूसरे के घरों में जाकर बर्तन साफ किया करती थी, पानी भरती थी। तब माँ की तकलीफों को याद करते हुए पीएम मोदी भावुक हो पड़े थे। वही पीएम नरेंद्र मोदी की माँ हीराबेन मोदी के पार्थिव शरीर गांधीनगर के शमशान घाट ले जाया गया था। और साथ ही बता दें कि जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहाँ पर तमाम परिवार के लोग वहां मौजूद थे। साथ ही बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन के बाद एक शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से लिखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की माताजी श्रीमती हीरा बा के निधन का समाचार अत्यंत दुखद। इस मुश्किल समय में मैं उन्हें और उनके परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएँ और प्यार व्यक्त करता हूँ। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां आज पंचतत्व में विलीन हो गई है। और साथ ही बता दें कि इस दौरान उनका अंतिम संस्कार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उन्हें मुखाग्नि दी है। बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बड़े बड़े नेता थे जो वहां आना चाहते थे, उनको आने के लिए मना कर दिया है। फिर भी वहां पर कुछ नेता देखने को मिले हैं। और साथ ही बता दें कि सब हीराबा के अंतिम दर्शन के लिए वहां पे पहुंचे हुए थे। बता दें कि इस दुखद घटना के बाद से देश के तमाम नेता जो है उन्होंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। और हमारे साथ ब्यूरो हेड सैयद जुड़ गए हैं। सैयद, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां आज पंचतत्व में विलीन हुई है, काफी दुख का समय है पूरे देश के लिए, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी काफी दुख का समय है। और जिस तरीके से शोक की लहर देखने को मिल रही है, बड़े बड़े नेता उनके मां को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं ट्विटर के माध्यम से, क्या कहेंगे इसको लेकर? अब प्रधानमंत्री के लिए आज काफी दुखद दिन है, कैसे इस दुख की घड़ी को प्रधानमंत्री ने कई बार इस दुख की घड़ी को अपने माँ को याद करते हुए भावुक नजर आए थे, इस पर अब प्रधानमंत्री आज उन्होंने अपनी माँ को मुखाग्नि भी दी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए सुनाले, जिस तरीके से एक अगर प्रधानमंत्री की बात ना करें, एक बेटे के लिए बात करें, बेटे के तौर पर बात करें, तो प्रधानमंत्री के बहुत बड़े दुख की खबर है। माँ का छाया चला जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात करती है। और एक बेटा वो परिवार ही उस दुख को समझ सकता है। लोग सांत्वनाएं जरूर दे सकते हैं, सिखाते हैं, लेकिन जिसका जो नुकसान कह सकते हैं, बड़ा नुकसान वो आज प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी को हुआ है, जिसका एक गहरा दुख जरूर है। और देश भर में प्रधानमंत्री की मां को लेकर जो निधन हुआ उनका, उसको लेकर एक दुख जरूर बड़े बड़े नेता व्यक्त कर रहे हैं। और वही आप अगर हम बात करें जिस तरीके से प्रधानमंत्री अपने कर्तव्य की तरफ आगे बढ़ते नजर आए, उन्होंने साफ तौर पर सबसे इस बात को लेकर आह्वान किया था कि आप किसी तरीके का कोई भी ऐसी चीजें ना करें। और दूसरी तरफ ये
अपने अपने काम को आगे अंजाम देते रहे। यहाँ से आपको बता दें कि मुखाग्नि देने के बाद शैतान कार्ड को सीधा प्रधानमंत्री राजभवन की तरफ गए निकले और वहां पर अब जो वंदे भारत ट्रेन वेस्ट बंगाल को इतनी शुरुआत मिल रही थी उसका लोकार्पण और कई सारी योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। तो ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री अपने काम के प्रति किस तरीके से कैसे कितने गंभीर है कि इतना बड़ा नुकसान होने के बाद जो एक बेटे के तौर पर अगर देखा जाए तो वो काफी बड़ा नुकसान है कि किसी का ध्यान से जाना उसके सर से माँ का साया चला जाना अपने आप में बड़ी बात है। सुना ली बिल्कुल सही है, सही कहा आपने। जिस तरीके से एक माँ की उम्र कैसी भी हो कितनी भी ज़्यादा हो लेकिन उनका गुजर जाना काफ़ी भावुक पल होता है, एक बेटे के लिए एक बच्चे के लिए काफ़ी भावुक पल होता है। हीरा बा के बारे में बताया जाता था कि काफ़ी हर्षमुख स्वभाव था उनका, काफ़ी मिलनसार नेचर था उनका और जिस तरीके से पूरे घर को वो बांध कर रखती थी और प्रधानमंत्री भी जब भी कोई बड़े काम करने के लिए जाते थे चाहे उनका जन्मदिन क्यों ना हो या कोई जीत की खुशी उनको मिलती थी तो हीरा बा के वो आशीर्वाद लेने उनसे मिलने वो जरूर जाते थे। और जिस तरीके से बता दें आपको कि जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीरा बा पंचतत्व में विलीन हो गई है, पूरे देश के लिए शोक की लहर देखने को मिल रही है। और बता दें कि आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कंधे पर रखकर बता दें कि अंतिम संस्कार के लिए माँ को वो लेके आए और वहाँ पर बता दें कि मुखाग्नि माँ को दी गई है। और सैयद हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। सैयद, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुखाग्नि देते हुए नजर आए, हीरा बा की बात करें तो काफ़ी मिलनसार नेचर था उनका, काफ़ी लोगों से मिलना जुलना काफ़ी पसंद करती थी वो, कहीं कहा जाता था कि पूरे परिवार को वो बांध कर रखती थी और जिसी की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कोई जीत या कोई बड़े काम करने जाते थे या कोई रैली करने जाते थे वो अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर अपनी माँ से मिलने वो जरूर आते थे। सोनाली, ये कहना गलत नहीं है कि एक बेटे के लिए अगर कोई भी इस तरीके का काम और जो कोई एक संवैधानिक के एक बड़े पद पर पूरा देश जो चला रहा हो वो अगर कोई काम करने जाता है तो कम से कम अपनी माँ का आशीर्वाद जरूर लेता है। ये एक परंपरा रही है भारतीय संस्कृति की कि बड़ों का आशीर्वाद लेके कोई काम करने जाते तो बड़ों का आशीर्वाद लेते, तो माँ उनके लिए एक अहम किरदार उनकी जिंदगी में थी और उन्होंने साफ तौर पर यह देखा गया कि जब परिवार की बात आती थी तो परिवार को अगर संवैधानिक पद पर रहते हुए एक तरफ रखा उन्होंने और अपने कर्तव्य को एक तरफ रखा। तो ये सब चीजें दर्शाती है कि एक जो परवरिश अपने बेटे की उन्होंने की और एक प्रधानमंत्री के तौर पर देश को जो संभाल रहे हैं जो चला रहे हैं उसमें अपने कर्तव्य को लेकर जिस तरीके की चीजें हैं। आपको बता दें कि हीरा बा की तबीयत पहले से उनकी माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब रहती थी, पहले भी कई बार उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और बताया गया था। अभी जो उनकी तकलीफ निकली उन्हें सांस लेने में काफी परेशानी थी, ब्लड प्रेशर की समस्या के चलते उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था जो गांधीनगर के अस्पताल है। तो दूसरी तरफ अगर प्रधानमंत्री जिस तरीके से कहीं भी जाते थे कुछ भी बड़ा काम होता था देश को लेकर कुछ चीजें होती थी तो वो अगर गुजरात के दौरे पे थे तो एक बार वहां से अपने मुलाकात जरूर करते थे क्योंकि ये कहा राजनीतिक तौर पर कई बार उन पर सवाल भी खड़े किए गए चुनाव में जिस तरीके से ऑटो में बैठ के उनकी माँ वोट डालने गई तो विपक्ष ने इस तरीके से हमला किया कि प्रधानमंत्री राजनीतिक तौर पर अपनी माँ का इस्तेमाल करते, तो ऐसे कई सारे सवाल भी कई बार खड़े हुए। लेकिन परिवार की बात करें तो जिस तरीके से सभी भाइयों को सभी पूरे परिवार को एकजुट करके रखा प्रधानमंत्री की माँ हीरा बा ने वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक मिसाल है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से अपनी माँ का ख्याल रखते थे जब भी गुजरात जाते थे उनसे पूछते थे उनके प्यार चुपते थे उनके आशीर्वाद लेते थे और उनको ये चीजें बताते थे तो कई बार उन्होंने प्रधानमंत्री की माँ हीरा बा ने किए उनको कई ऐसी चीजें बोली कि कर्तव्य को लेकर अपने काम को लेकर किस तरीके से निष्ठा रखनी चाहिए, वो एक माँ से जरूर प्रधानमंत्री ने सीखा है। सुना ली बिल्कुल सैयद, मुझे एक समय याद आ रहा है 2015 के दौरान जब वो एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे तब उन्होंने अपनी माँ के संघर्षों को याद किया था और कहा था कि मेरे पिताजी की तो निधन हो गया है लेकिन माँ हमारा गुजारा किसी दूसरे घर में काम करके और साथ ही पानी भर के बर्तन साफ करके करते हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री काफ़ी भावुक भी नजर आ रहे थे। बिल्कुल, ये एक बार नहीं होता जब विदेश दौरे पर एक बार इस तरीके की घटना हुई थी जब वो प्रधानमंत्री की माँ को याद करके भावुक
वैसे उन्होंने कई किस्से अपने सुनाए थे, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप का एक इलेक्शन के तहत वो गए हो, जब भारतीय प्रवासियों को वहां पर संबोधित किया हो उस वक्त भी हो, तो ऐसे कई बार हुआ जब प्रधानमंत्री अपनी माँ को याद करके भावुक हुए थे। सैयद जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की माँ आज पंचतत्व में विलीन हो गई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो उनका जो काम है उससे वो उन्होंने अपने कार्य को बंद नहीं किया है। आज वे बंगाल में एक कार्यक्रम के मतलब कार्यक्रम में वे शिरकत करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और देखिए किस तरीके से अपने माँ को मुखाग्नि देने के बाद, अंतिम संस्कार करने के बाद, एक बेटे के लिए काफ़ी भारी दिन हो जाता है क्योंकि उसने अपने माँ को खोया होता है और वो सारी यादें जो अपने माँ के साथ उनके पल बिताए हुए होते हैं वो लेके वे अंतिम संस्कार करके मुखाग्नि दे के वे आता है घर, और इस वजह से उन्होंने अपने काम को बंद नहीं किया है। आज जिस तरीके से बंगाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज वो जुड़ेंगे, तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री अपने माँ के लिए एक अच्छे एक बेटे साबित तो हुई हैं, कहीं ना कहीं भी देश के लिए एक अच्छे प्रधानमंत्री और एक देश के लिए एक अच्छे नेता के रूप में वे अपने काम भी करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने काम को बंद नहीं किया है सैयद। सोनाली देखिए, ये साफ तौर एक भावुक अपील की गई थी, परिवार की ओर से कहा गया था कि हम इस कठिन समय में आपसे प्रार्थनाओं के लिए शुक्रगुजार हैं, हम सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री की माँ है जिनके आत्मा उनके विचारों को अपने पास रखें और जो कार्यक्रम है निर्धारित कार्यक्रम है उसको जारी रखें, और यही सच्ची श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री की माँ हीराबा को होगी। तो ये कुछ पहली बार ऐसा नहीं हुआ, कई बार माँ की तबीयत खराब हुई, उस वक्त विदेश दौरे में रहे तब भी माँ का हाल चाल लेते रहे, और इन सब चीजों के पीछे कहीं ना कहीं जो आपकी क्या कहते हैं प्रतिष्ठा की बात कर ले, आपके कर्तव्य का निर्वहन करने की बात कर ले, देश आगे ले जाने की बात कर ले, इन सब कई चीजें हैं, कई ऐसे निशाने हैं जो प्रधानमंत्री के सामने देखने को मिली है, कई बार ऐसे विपक्षियों के निशाने पे भी रहे इन सब चीजों को लेकर, लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी इन सब चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन उसके बाद भी आगे की चीजें लगातार चलती रही, जैसे आज के निर्धारित कार्यक्रम से उसको भी आगे बढ़ाया गया, कुछ बंगाल में कई सारी योजनाएं हैं, राजभवन पहुंचे कई सारी योजनाओं पर काम करना था, कई सारी चीजें थी, उन सब चीजों को लेकर अभी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक परिवार के तौर पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कठिन समय जरूर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। बिल्कुल सैयद, सही कहा आपने, एक बेटे के लिए जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी माँ को खोया है, जिस तरीके से उन्होंने आज अपनी माँ को मुखाग्नि दी है, और एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं एक आम नागरिक एक बेटे के रूप में वे वहाँ पर नजर आए, और जिस तरीके से वहाँ की तस्वीरें देखने को मिली, जिस तरीके से वे भावुक नजर आए, ये काफ़ी कहीं ना कहीं आज काफ़ी देश के लिए एक शोक का दिन है। और सैयद बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, और बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी की मां जो है वह पंचतत्व में विलीन हो गई है, अंतिम संस्कार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नजर आए हैं। बता दें कि कल रात हुई उनका निधन हो गया था, और इस दौरान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है। बता दें कि इस मौके पर तमाम बड़े बड़े नेता, चाहे वो विपक्ष के ही क्यों ना हो, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वे नजर आए हैं। ट्विटर के जरिए उन्होंने अपनी बातों को साझा किया है। साथ ही बता दें कि अब इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से निकल चुके हैं, और अब इस दौरान बता दें कि आज बंगाल में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां जुड़ेंगे, और साथ ही वहां पे किस तरीके से वो कार्यक्रम होगा इसको लेकर भी वहां पे वो बातचीत करते हुए नजर आएंगे। चले आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेटर श्रीपंत पंत शुक्रवार को सुबह हादसे का शिकार हो गए हैं। हादसा इतना भयावह था कि क्रिकेटर की कार डिवाइडर से जा टकराई है और ये पूरे जलकर खाक हो गई है। बता दें कि डॉक्टर के मुताबिक पंत के पैर में गंभीर चोटें आई हैं। घायल क्रिकेटर को आनन फानन में रुड़की के सक्षम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। श्रीपंत पंत ने बताया है कि तड़के कार चलाते समय ऋषभ पंत ने बताया है कि सुबह कार चलाते वक्त उन्हें झपकी आ गई थी, जिसकी वजह से सेकंड भर के भीतर कार अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से वे टकरा गई। बता दें कि इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्सीडेंट में घायल क्रिकेटर ऋषभ पंत के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली है, और साथ ही बता दें कि इलाज के लिए संभव व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही है उन्होंने। साथ ही सीएम धामी ने ऋषभ पंत के शीघ्र स्वस्थ लाभ के लिए कामना करते हुए कहा है कि उन्हें इलाज का सारा व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा वहन कराया जाएगा, अगर एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता होती है तो उन्हें वो भी व्यवस्था दी जाएगी।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुभाष गौर मौजूद है। जिस तरीके से ऋषभ पंत का कार एक्सीडेंट हुआ है और इस दौरान ये बताया जा रहा है कि जो उनकी कार थी वे पूरे जलकर खाक हो गई। हॉस्पिटल में है इस वक्त ऋषभ पंत और इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि जिस तरीके से व्यवस्था है, उस जिस तरीके से सुविधा की ज़रूरत होगी, वो सारी सुविधा सरकार की तरफ से उनको दी जाएगी। सुभाष जी, बिल्कुल, भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत शुक्रवार सुबह लगभग 5:30 बजे वो दिल्ली से रुड़की यानी कि अपने घर उत्तराखंड पहुंच रहे थे और ऐसे में कार अनियंत्रित होकर एक डिवाइडर पर टकरा गई, जिसके बाद कार में आग लग गई और शीशा तोड़कर स्थानीय लोगों ने ऋषभ पंत को बाहर निकाला। और इसके साथ ही क्योंकि गंभीर चोट आने की बात भी कही जा रही है, लेकिन अभी तक डॉक्टरों की जो टीम है उनका कहना है कि ऋषभ पंत अभी ठीक हैं, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि इसके साथ ही जो फैंस थे जो ऋषभ पंत को पसंद करते थे, वो लोग भी कहीं ना कहीं ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको सुरक्षित और स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। और साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि यदि किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता पड़ेगी तो राज्य सरकार उसका निर्वहन करेगी। यदि एयर एम्बुलेंस के जरिए किसी हायर सेंटर में भी ऋषभ पंत को ले जाना पड़ेगा तो उसके लिए राज्य सरकार पूरी तरीके से तैयार है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभी डॉक्टरों की टीम के मुताबिक ऋषभ पंत ठीक हैं। जी बिल्कुल सुभाष, डॉक्टरों से आपकी बातचीत हुई होगी, कब तक ऋषभ को डिस्चार्ज किया जाएगा, क्या ऋषभ को और भी ट्रीटमेंट की जरूरत है? जी बिल्कुल, ऋषभ के पैर पर और सर पर चोट लगी है और सर पर टांके भी लगाए गए हैं, यानी कि डिस्चार्ज अभी जल्द से जल्द उनको नहीं किया जाएगा। अभी जो डॉक्टरों की टीम है उसकी निगरानी में उनको रखा जाएगा और उनके बेहतर इलाज करने की कोशिश डॉक्टरों के जरिए किया जाएगा, क्योंकि वो एक बेहतर खिलाड़ी भी है और ये माना जा सकता है कि भारतीय टीम के महत्वपूर्ण अंग भी हैं। तो ऐसे में डॉक्टरों की टीम भी चाहेगी कि उनको जल्द से जल्द ठीक किया जाए और किसी भी प्रकार की कोई भी बड़ी इंजरी उनको ना हो, उसको देखते हुए डॉक्टरों की निगरानी में ही ऋषभ पंत भी रहेंगे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि अगर यदि जरूरत पड़ेगी तो उनको हायर सेंटर भी रेफर कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल सुभाष, जिस तरीके से ऋषभ का ये कहना है कि सुबह वे कार चला रहे थे और इस दौरान उनको झपकी लग गई, जिसकी वजह से कार जो है उनकी अनियंत्रित हो गई और इसके वजह से ही वो डिवाइडर से टकरा गई। तो जिस तरीके से इनको बाहर निकाला गया और ग्राम वहां के लोगों के द्वारा जिस तरीके से उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, ये घटना काफी बड़ी भी हो सकती थी, क्योंकि जिस तरीके से कार जली है ये घटना काफी बड़ी भी हो सकती थी। सुभाष जी बिल्कुल, बड़ी घटना जरूर है, क्योंकि ऋषभ पंत की झपकी लगने के चलते वो गाड़ी उनकी डिवाइडर पे टकरा गई और गाड़ी जो है पूरी तरीके से जल चुकी है, यानी कि जो स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे उन्होंने ऋषभ पंत का कांच का गाड़ी का कांच तोड़ा और उसके बाद उन्हें बाहर निकाला, यानी कि ऋषभ पंत यदि उसी गाड़ी के अंदर रहते तो कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। लेकिन क्योंकि दिल्ली से अपने घर रुड़के ऋषभ पंत पहुंच रहे थे और सुबह सुबह 5:30 बजे की पूरी घटना है, तो ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं, जो सड़कों पर चलने वाले लोग हैं, वो लगातार वहां मॉर्निंग वॉक पर पहुंचते थे और ऐसे में जब उन्होंने दुर्घटना देखी तो उन्होंने एक बचाव कार्य के तौर पर ऋषभ पंत को गाड़ी से बाहर निकाला। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें गाड़ी की नजर आ रही है उससे ये कहा जा सकता है कि यदि ये रात की घटना होती जब वहां स्थानीय लोग नहीं होते तो शायद कोई बड़ी दुर्घटना ऋषभ पंत के साथ हो सकती थी। जी बिल्कुल सुभाष, सही कहा आपने, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन शुक्र है जो अब ऋषभ पंत सही सलामत है और उनके पैर में जो फ्रैक्चर है वो डॉक्टरों के द्वारा देखा जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि जल्दी उनको दुरुस्त किया जाएगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जानकारी करने के लिए। और बता दें आपको कि ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया था, वे एक एक्सीडेंट के शिकार हो गए थे और जिस वजह से उनकी कार पूरी तरह से जल गई है और इस वक्त उनके पैर में फ्रैक्चर आया है, जिसके बाद डॉक्टर अब इलाज करने में जुटे हुए हैं। ब्राजील के महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया है। बता दें कि 52 साल के थे वे जिस दौरान उनका निधन हुआ है। पिछले कुछ समय से किडनी और साथ ही बता दें कि प्रोस्टेट की बीमारी से वे जूझ रहे थे, जिसके बाद से 21 साल के लंबे फुटबॉल करियर के दौरान 1963 के मुकाबले में उन्हें नाम में बता दें कि 1,281 गोल करने का वर्ल्ड कप रिकॉर्ड था। वो एकमात्र फुटबॉल खिलाड़ी थे जिन्होंने 3 बार वर्ल्ड कप जीता है। बता दें कि 1958 साथ ही 1962 और 1970 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद ब्राज़ील की टीम में वे शामिल रहे थे और उसके बाद 2000 में फीफा का बता दें कि
प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का तमगा उन्होंने जीता था। पिछले साल सितंबर में उनके अंतिम सर्जरी हुई थी और इस दौरान बता दें कि 52 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। और साथ ही बता दें कि जिसको लेकर तमाम लोगों ने शोक व्यक्त किया है और साथ ही बता दें कि महान फुटबॉल खिलाड़ी थे पहले जिनका निधन हुआ है और इस दौरान बताया जा रहा है कि 52 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है, वो हॉस्पिटल में भर्ती चल रहे थे। और बता दें कि 82 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। पेले का महान फुटबॉल खिलाड़ी थे, इस दौरान उन्होंने कई तरह के अवार्ड्स जीते हैं। साथ ही बता दें कि इसको लेकर इसी साल नवंबर में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और जिसके बाद से उनका निधन हो गया है आज। अब खबर बरेली से है जहां पर बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बरेली पहुंची है। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बता दें कि राज्यपाल शामिल होते हुए नजर आई है और साथ ही बता दें कि आज MJP रोहिलखंड विश्वविद्यालय साथ ही इंटरनेशनल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंचकर 84 छात्रों को उन्होंने गोल्ड मेडल और साथ ही डिग्री देकर सम्मानित किया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महाराजगंज की बालिकाओं का उदाहरण देकर बाल विवाह, दहेज प्रथा पर उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की है। साथ ही उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली भी प्रशंसा करते हुए नजर आई है और साथ ही बता दें कि बढ़ते कोरोना संकट पर भी लोगों को सचेत रहने के लिए प्रकाश में डाला है। साथ ही मोदी सरकार द्वारा बनाए गए शौचालय के बारे में भी वे प्रशंसा करते हुए नजर आई है। यूपी में सरकार विकास के लाख दावे कर ले, लेकिन कई ऐसी जगह है जहां पर संबंधित जनप्रतिनिधि और विभागीय कर्मी के सरकारी कार्यों में लापरवाही के साथ भ्रष्टाचार साफ दिखाई दे रहा है और जनता ऑन कैमरे शिकायत भी करती नजर आ रही है, लेकिन फिर भी संबंधित अधिकारी तंग बात नहीं पहुंच पा रही है या यूं कहें कि विभागीय स्तर पर उदासीनता और मिलीभगत की ये तस्वीर बहुत कुछ कह जा रही है। मामला गाजीपुर के बक्सुपुर गांव का है जहां ग्राम प्रधान के भेंट चढ़ी गई है और साथ ही बता दें कि उनकी खुद ही ग्राम सभा बक्सुपुर लोगों की माने तो यहाँ पर विकास के नाम पर सिर्फ छलावा किया जाता है। ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाते हुए मौके पर मीडिया की टीम को हकीकत भी दिखाई है। विकास के नाम पर कोई कार्य यहां पर नहीं होता है, ग्रामीणों का कहना है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि जिसको लेकर गरीब महिलाएं और ग्रामीणों को मीडिया को अपनी आपबीती बता दें कि साथ ही बता दें कि गांव के नाले और पानी निकासी के जुड़ी हुई उन्होंने तस्वीर भी दिखाई है मीडिया को। साथ ही उन्होंने जिस तरीके से पानी की निकासी नहीं हो रही है नालियों में, इसको लेकर भी ग्रामीण अपनी बात करते हुए मीडिया के सामने नजर आए हैं। हरदोई के बलग्राम पुलिस के लिए चुनौती बने चोरों ने बता दें कि BJP नेता के घर पर धावा बोलते हुए वहां लाखों की नकदी और जेवर पर अपना हाथ साफ कर दिया है। इससे पहले भी कई चोरियों की घटना को वो अंजाम दे चुके हैं। लगातार हो रही चोरियों की वारदात से लोगों की नींद हराम हो गई है। वहीं पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस तरह की वारदातों पर लगाम लगाया जाएगा। बिलग्राम का मामला है, हरिश्चंद सना प्रसादी निवासी रफैयतगंज, इन्होंने आज बताया है कि इनका दो घर है आमने सामने, जिस घर में नहीं रहते हैं उस घर में रात चोरों ने जो है चोरी की है, जिसमें कुछ नगद पैसे हैं, सोने की चेन, झाले और कुछ साड़ी ले गए हैं। पुलिस को कुछ क्लू मिला है, CCTV मिली है, उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। 1.5 लाख नगद, एक जंजीर सोने के, एक कुंडल, एक झाला, 5 जोड़ी पायल और कपड़े, धोती, कम्बल वगैरह यह मैं बक्सा ले गया। इटावा में जमीनी विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें जमकर ईंट पत्थर लाठी डंडे और साथ ही गोली चलाई गई है। घटना के बाद आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं जिनको जिला अस्पताल और सेफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया गया, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है। थाना पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के तहरीर के आधार पर कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। मामला थाना उसराहा क्षेत्र के अंतर्गत हिंदूपुर नागरिया गाँव का बताया जा रहा है।
सब हम अपने खेत में सुबह गए और दो लोग एक राय होकर के सब आ गए। उन्होंने हम अपने गेहूँ बो रहे थे, गेहूँ बोते टाइम वो आ गए और सर एकदम लाठी डंडा उधर से लेके आए और फायरिंगबाजी करने लगे, तो हमारा ट्रैक्टर में भी नुकसान होगा, कुछ हुआ हुआ रहते ऐसे हम तो देख नहीं पाया है, नुकसान उसमें भी हुआ हुआ कैसा। उन्होंने गोली मारी तो हमारे तो चोट लग गई और हम तो गिर गए, तो सर उन्होंने ऐसा हमारे साथ किया है। और हम दो तीन महीने हमारे घर पे ताला डाल दिया था नहीं लोगों ने, तब विजय सिंह सिंह साहब ने खुलवाया था। मेरे यहाँ मेरी जमीन थी और वे लोग ट्रैक्टर से खेत जोत रहे थे, हम लोग रोक रहे थे, तो वे लोगों ने जब रोके तो वे लोग लाठी और गोलीबाजी करने लगे, आके हमारे लोग चार ही लोग थे और मार दो। किस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा? जमीन के ऊपर। हाँ, जमीन हमारे लोगों की है। हाँ, शौकीन की, गोविंद की, जर्मन सिंह की, अतर सिंह की, इन लोगों की जमीन है। हिंदूपुर गांव में दो पक्षों में जमीनी विवाद है, इनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई भी पूर्व में की जा चुकी है, आज फिर झगड़ा हुआ है, दोनों पक्षों को चोट आई है, दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर लेकर कार्रवाई की जा रही है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, नमस्कार।